खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने रविवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान स्वीकृत पेयजल योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए कपकोट, लमगड़ा और खटका मोतिया पाथर पेयजल योजना में भारी अनियमितताएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक माह के भीतर क्षेत्र की पेयजल योजनाओं में व्याप्त अनियमितताओं को दूर नहीं किया गया तो वे अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। गर्मियों में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या रही और विभाग को टैंकरों से पानी देना पड़ा गांव-गांव। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पहले भी हमने धौरी ब्लॉक में कई पंपिंग योजना बनाई थी और तीन छोटी पंपिंग योजना जो मेरे कार्यकाल में जिसका एस्टिमेट बन के गया था शासन को, उसमें फड़का थाना दिल्ली मुत्यापातर एक थी, एक कपकोट लबड़ा ब्लॉक की थी, कपकोट ग्राम पंपिंग योजना जिसमें लमड़ा प्रॉपर भी फिट होता है, तीसरी एक हमारी गोडावास की थी। तो तीन पंपिंग योजना का इनके टाइम में टेंडर हुए और जिनको तीन साल से ऊपर होने को हैं लेकिन वो अभी तक उनका ठीक से पता पता भी नहीं है।